नमस्कार, समाचार नरसिंहपुर से। मंदसौर में हुए 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हादसे में जन आक्रोश देश के हर कोने में तेजी से फैलता जा रहा है और सभी की एक ही मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। इसी तारतम्य में जिला मुख्यालय नरसिंहपुर से कांग्रेसियों ने सामूहिक रूप से मिलकर नगर के मुख्य मार्गों से कैंडल मार्च निकाला, जिसमें महिलाओं और पुरुष सभी ने अपना समर्थन दिया। सभी की एक ही मांग थी कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। जैसा कि आप मीडिया वालों को भी ज्ञात है, मंदसौर में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दो लोगों ने हैवानियत वास्तविकता की सीमाएं लांघ दी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार इन मासूम बच्चियों की सुरक्षा भी नहीं दे पा रही। इस भाजपा सरकार के विरोध में आज जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSCI सबके संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें हमारे मजबूत विधायक भी हैं, सारे लोगों ने इसका विरोध व्यक्त करने के लिए आज इस कैंडल मार्च का आयोजन किया था। इस भाजपा सरकार को जगाएं कि जहां पर महिलाएं क्या मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, उस सरकार का नैतिक दायित्व है उन पर छोड़े और इस प्रदेश में जिसमें कम से कम महिला और बच्चियाँ भी सुरक्षित रह सकें, इसके विरोध में मार्च का आयोजन। कुछ दिन पहले सभी लोग देख रहे हैं कि मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ हुआ, ग्वालियर में भी एक बच्ची के साथ हुआ, इसके पहले एक आसिफा नाम की बेटी के साथ भी ये हमारे देश में होता था। अभी हम देख रहे हैं कि इतनी असामाजिकता फैली हुई है कि बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ साथ हम बच्चियों का कहें। और अभी भी कुछ सर्वे हमारे देश के आ रहे हैं कि हमारा भारत देश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है और मध्य प्रदेश तो ये सबसे बड़ा जोन बन गया है कि महिलाएं और बच्चियां भी अब सुरक्षित नहीं है। नरसिंहपुर से नीलेश मेहरा की रिपोर्ट।